पंचायत नागनी के गांव रीना की सड़क का बहुत बुरा हाल है। सड़क पर पड़े गड्ढे एक खड्ड का रूप धारण कर चुके हैं। लगभग 400 मीटर की इस सड़क की तरफ किसी भी पार्टी का कोई भी नेता ध्यान तक नहीं देता। गांव के लोगों में इसके प्रति काफी रोष है। ग्रामवासी पुरुषोत्तम का कहना है कि इस गांव की आबादी लगभग 1500 के ऊपर है। इस रीना गांव की सड़क का हर बार सर्वे ही होता रहा है। पिछले 5 वर्ष पहले भाजपा के पूर्व विधायक राकेश पठानिया ने इस रीना की सड़क का सर्वे करवाया और सड़क का काम शुरू करवाया। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो मौजूदा कांग्रेस के विधायक अजय महाजन ने एक दो बार रीना की सड़क का सर्वे करवाया। आज 5 वर्ष हो गए हैं सरकार बने, परंतु इस रास्ते के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ये रास्ता है नागनी से लेके रीना तक, ठीक है जी। इसमें कम से कम 500 वादी वाला गाँव है रीना, और इसमें 500 के लमसम वोटिंग है, तो कम से कम इस रास्ते को बनते 50 साल हो गए, जब से सत माजना या सरबा होता रहा, और आज तक इसका सरबा ही हुआ है और काम नहीं लगा। जब पिछले 5 साल पिछले टाइम में जो पठानिया साहब ने इसका काम का सरबा किया और काम लगाया, जब सत्ता चेंज होगी तो पठानिया साहब सत्ता से बाहर हो गए, आगे सत महाजन के बेटे अजय महाजन, उनका एक दो तीन बार सर्वा हुआ। आज 5 साल बीत गए, इस रास्ते को आज तक किसी ने कदम तक नहीं उठाया। रामचंद्र शर्मा ने बताया कि इस रास्ते का शिलान्यास स्वर्गीय संत महाजन ने 1978 में किया था। 1978 से लेकर 2017 तक कितना समय बीत चुका है, परंतु इस रास्ते को बनाने के लिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। पहले सन 1912 में चुनाव से ठीक 5 महीने पहले इस रास्ते का काम शुरू किया गया था, लेकिन चुनाव तक इस रास्ते पर सिर्फ सोलिंग ही की गई। तब से ये काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। दूसरी इस गांव की समस्या है कि 1954 में इस गांव में पेयजल योजना स्कीम आई थी। उस समय रीना गांव की आबादी लगभग 250 के करीब थी। आज इस गांव की आबादी 500 के ऊपर है, लेकिन जो पानी की 1 इंच 1.25 इंच की पाइप पर 1954 में पड़ी थी, आज भी वही पाइप पड़ी हुई है, जिसमें गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है। कई बार प्रशासन से भी आग्रह किया जा चुका है, पर स्थिति जैसी की वैसी ही बनी है, मानो प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगती हो। रास्ते का शिलान्यास स्वर्गीय सत महाजन 1978 में रखा था। 1978 से लेके 2017 आज 35-36 साल के करीब टाइम बीत चुका है, लेकिन इस रास्ते बनने का किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। पिछले 2012 में इलेक्शन से ठीक 5-6 महीने पहले इस रास्ते का काम शुरू हुआ था, लेकिन इलेक्शन तक इस रास्ते में सिर्फ सोलिंग ही हुई थी। इलेक्शन के बाद काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, जैसे कि आपने यहाँ देखा है। दूसरी हमारी एक और समस्या है कि 1954 में इस गांव की बटरफ्लाई स्कीम आई थी। उस टाइम यहाँ की आबादी लगभग 200-250 के बीच बीच थी। आज यहाँ की आबादी 500 से ऊपर जा रही है, लेकिन जो पाइपें 1 इंच 100 इंच की 2054 में पड़ी थी, आज वही पाइपें पड़ी हुई हैं। पानी की समस्या है, उसकी आज दिन तक रेगुलेशन ही हुई है। कई बार हमने प्रशासन से भी इसके बारे में रिक्वेस्ट की, लेकिन आज की स्थिति वैसी की वैसी 1954 जैसी स्थिति इस टाइम है। संजीव शर्मा का कहना है, जो रीना गांव की सड़क है उसकी इतनी बुरी दुर्दशा है कि मेरी उम्र भी 45 वर्ष हो गई है, तब से इस सड़क को ऐसे ही देख रहा हूं। बहुत सारे नेताओं ने आश्वासन दिया, पर किसी भी नेता ने कुछ नहीं किया। हमारे गांव में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो वहां पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकती है। रीना गांव की सड़क है जो कि आपने अभी इसको देखा है, तो इसकी इतनी दुर्दशा है, मेरी उम्र भी 45 साल हो गई है और 45 साल से मैं इस सड़क को ऐसे ही देख रहा हूँ। बहुत बार नेताओं के आश्वासन मिले, किसी ने कुछ भी नहीं किया, और अभी जो इससे पीछे जो सरकार थी उसके बीच में जो पठानिया जी ने इस सड़क का काम लगाया था, और इस काम लगाया, लेकिन ये काम जो है पूरा नहीं हुआ और इलेक्शन हो गया,
इलेक्शन के बाद जब दूसरी सरकार आई है तो उसने जो है वो इसमें कुछ भी कार्य नहीं किया। हमने कई बार जो है उनको बोला गया कि इस सड़क का जो है वो इसको ठीक की जाए, या इस सड़क का जो है वो कम से कम गाड़ी तक तो निकल सके। हमारे गाँव में कोई आदमी बीमार हो जाए तो वहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच सकती है, और ये नूरपुर का बिल्कुल नज़दीकी गाँव है, और ये जो है नेशनल हाईवे से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। बड़े अफसोस की बात है कि ये गांव एक नेशनल हाईवे के पास होता हुआ भी जो है वो एक बहुत इंटीरियर गांव जो है वो गिना जा रहा है। तो मैं ये प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि वो हमारी जो इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी बात को सुनेंगे और ये जो हमारी इस मांग को जो है पूरी करेंगे। सुधांशु का कहना है कि जब से मैं इस रास्ते को देख रहा हूं, ये वैसे का वैसा ही है, जहां पर रास्ता बनाने के लिए पत्थर भी फेंके गए, परंतु कुछ समय बाद में पत्थर भी उठा लिए गए। हर बार नेता वादा करते हैं सड़क बनाएंगे, नालियां बनवाएंगे, परंतु वादे के सिवाय कुछ नहीं करते, सिर्फ झूठे वायदे करते हैं और निकल जाते हैं। मैं इस गाँव का ही निवासी हूँ, और जैसा कि मेरा यहाँ पे जन्म हुए कम से कम 18-19 साल हो गए हैं, और जब से मैं इसको रास्ते को देख रहा था जैसा कि जैसा ही है। इसमें काफ़ी हुआ, जैसे कुछ टाइम पहले यहाँ पे पत्थर भी फेंके गए रोड के लिए बनाने के लिए, लेकिन वो कुछ टाइम बाद फिर से उठा लिए गए। जैसे हर बार ऐसा ही होता है, वादे करते हैं सारे कि इसको बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नालियाँ बनाएंगे, ये करेंगे, इसको खुला कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते, बस वादे करते हैं और निकल जाते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर ये रास्ता बन जाए तो हमारे गांव के लिए सबसे अच्छा रास्ता है, और ज़्यादातर कुछ भी हो, इमरजेंसी केस हो या कुछ भी हो, तो हमारे लिए जो दूसरा रास्ता है उसकी हालत बहुत ख़राब है, वहाँ से ज़्यादातर गाड़ी भी नहीं जाती या कुछ भी नहीं आता। तो अब मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि ये रास्ता बन जाए और हमारे गाँव के लिए ये सबसे अच्छा हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग के एक्शन उत्तम चंद दीवान ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि लिंक रोड के बारे में उनको सरकारी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये रोड उनके बजट में नहीं आता है। यदि इसका कोई काम हुआ है तो इसकी जानकारी ब्लॉक से मिलेगी। हम एक लिंक रोड की बात कर रहे हैं, ये लिंक रोड जो हमारे इसमें बजटेड रोड नहीं है, और ना ही मेरे इसमें कोई नॉलेज है कि ये रोड कब इसका फाउंडेशन स्टोन हुआ, कब इसका किसने काम किया। दूसरी एजेंसी से काम हुआ होगा तो उसके बारे में तो एजेंसी या ब्लॉक वाले बता सकते हैं, या कि डिपॉजिट हेड में हुआ होगा तो हमारे पास इसका कोई।